नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रिलायंस पावर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं। इसमें कोई भी अपडेट या कोई न्यूज़ निकल के आती है, हमने अब तक उस अपडेट को और उस न्यूज़ को पहुँचाया है। इस शेयर का अभी तक जो हाल देखने को मिल रहा है, काफ़ी दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, काफ़ी दिनों से ये नीचे की ओर आपको आता हुआ देखने मिला और लोग इसमें काफ़ी परेशान हो गए थे। ये बहुत क्रूशल लेवल तक पहुँच गया था, ऑलमोस्ट 90 पैसे 70 पैसे तक ये शेयर पहुंच गया था और उसके बाद से एकदम से जो है इसमें तेजी देखने को मिली है और ये अब ऊपर की ओर ट्राई कर रहा है। तो इस हम वीडियो में बात करेंगे कि इसमें आगे और कितनी तेजी देखने को मिलने वाली, किस टारगेट को जाके ये अचीव करेगा और इसमें जो ये तेजी देखने को मिल रही है उसके पीछे की आखिर वजह क्या है और ये इसमें गिरावट क्या अब आएगी कि नहीं आएगी, क्या आपके लिए बाइंग लेवल कोई निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब बातें हम करेंगे इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आज के दिन कैसे क्या ट्रेड चल रही है। तो इसमें आप देखें, आज के दिन भी पूरे दिन जो है अपर सर्किट इसमें देखने को मिला है, जो कि 65 पैसे की इसमें तेजी देखने को मिल रही है। आज के दिन ऑलमोस्ट 4.91% का जो है इसमें अपर सर्किट आज देखने को मिला है। अभी ये 13.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। वन वीक की अगर इसमें बात करें तो वन वीक में इसमें ऑलमोस्ट 2 रुपये की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि 16.81% के आसपास की जो है तेजी एक सप्ताह में इसमें देखने को मिल रही है। एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में ये शेयर अब प्रॉफिट में आ चुका है। 2.90 रुपये की इसमें तेजी देखने को मिल रही है, जो कि 26.36% के आसपास की इसमें तेजी देखने को एक महीने में मिल रही है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 167.31% इसके रिटर्न देखने को मिले हैं, जो कि 8.70 रुपये की जो है इसमें तेजी देखने को 6 महीने में मिली है। आप देख सकते हैं इसने अपना हाई टच किया था, ऑलमोस्ट 18.25 रुपये का इसका 52 वीक का हाई था और जो लो जो था वो 2.40 रुपये का था। तो इसके हाई टच करने के बाद देखिए कितनी भारी इसमें गिरावट देखने मिली थी, लगातार इसमें गिरावट भी गिरावट आई और लोग इससे काफ़ी परेशान हो गए थे। लेकिन अब फिर से लोगों के मन में इसके लिए होप आ चुकी है कि ये शेयर अब फिर से धमाका करने वाला है। उसका एक मेन रीज़न जो है, कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा कि रिलायंस इंफ्रा में जो है, आपको मैं आर्टिकल दिखाता हूँ, हालांकि आर्टिकल पुराना हो चुका है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल ये निकल के आया था कि जो अपने रिलायंस इंफ्रा का एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जो सुनवाई चल रही थी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से, DMRC की तरफ से, वो केस जो है इन्होंने जीत लिया है। आपको पता होगा कि बहुत ये जो केस था चर्चा में रहा था, 9 साल ये केस चला और जो है ये केस अब इन्होंने जीत लिया और इनको जो है टोटल 4600 करोड़ रुपये जो है अब पैसा मिलना है DMRC की तरफ से। तो काफ़ी बड़ी खबर निकल के आई थी, आप जाके ये आर्टिकल को चेक कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक इसका संक्षेप में मैंने वर्णन आपको कर दिया है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या है कि ये खबर महत्वपूर्ण है रिलायंस पावर के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर का काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है। क्योंकि आपको कुछ दिनों पहले याद होगा कि रिलायंस इंफ्रा के थ्रू जो है रिलायंस पावर में फंड रेजिंग की गई थी और उसके बाद जो क्या हुआ था कि रिलायंस पावर के थ्रू रिलायंस इंफ्रा में फंड रेजिंग की थी, मतलब कि एक दूसरे के थ्रू जो है फंड रेजिंग इसमें की जा रही, क्योंकि कंपनियां जो है जो अनिल अंबानी जी की लॉस में चल रही है, काफ़ी ज़्यादा जो है दिवालिया कंपनी चल रही है। अभी कंपनियां पूरी तरीके से कर्ज मुक्त हो नहीं पाई हैं, तो जैसे जैसे बन पड़ रहा है कर्ज मुक्त अपनी कंपनियों को कर रहे हैं, जो उनका प्लान है 2023 तक अपनी कंपनियों को पूरी तरीके से कर्ज मुक्त करने का, वो प्लान ये बहुत ज़्यादा जो है अपना सीरियस लेके चल रहे हैं और उसको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी प्लान के तहत जो है इन्होंने जो ये केस जीता है, 6 करोड़ रुपये इनको जो मिलने वाले हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये हो सकता है कि फंड रेस फिर से करें रिलायंस पावर का और रिलायंस पावर में फिर से ये जो है ये डेप्थ रिड्यूस करें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये अब इनके लिए खबर अभी फिलहाल में निकल के आई है, क्योंकि जब भी पैसा इनको कहीं से मिला इन्होंने अपने कर्जे को चुकाने का सबसे प्रायोरिटी दी है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब रिलायंस पावर में जब इन्होंने डेट रिड्यूस किया था, वो किया था रिलायंस इंफ्रा के, तो रिलायंस इंफ्रा के थ्रू, फिर उसके बाद आपको याद होगा कि रिलायंस पावर के इन्होंने एसेट्स भेजे थे बांग्लादेश में, तो उससे जो पैसा मिला था इन्होंने अपने रिलायंस इंफ्रा का पैसा चुकाया था। अब जो है रिलायंस इंफ्रा में जो पैसा इनको मिला है, तो हो सकता है कि फिर से रिलायंस पावर में अपना पैसा लगाएं और उसको आगे ले जाने में इनको काफ़ी मदद मिल सकती है। ये पैसा काफ़ी बड़ा पैसा है और इनको काफ़ी जो है इस पैसे से फायदा हो सकता है रिलायंस पावर में अगर ये पैसा निवेश करते हैं तो। क्योंकि भली बात ही जानते हैं अनिल अंबानी जी कि अगर ये कंपनी पूरी तरीके से कर्ज मुक्त हो जाती है, कंपनी ग्रो कर जाती है, तो फिर इनके पुराने दिन जो है फिर से वापस आपको आती हुए देखने मिल सकते हैं। क्योंकि अनिल अंबानी जी बहुत ज़्यादा इस कंपनी में मेहनत कर रहे हैं, खासकर रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में, ये दो कंपनियाँ इनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और किसी भी तरीके से जो है इन दोनों कंपनियों को ये डूबने नहीं देने चाहते, इसलिए दोनों कंपनियों पर काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान दिया जा रहा है
अनिल अंबानी जी की तरफ से। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि आपको अगर कुछ दिनों बाद ये खबर देखने मिलती है कि रिलायंस पावर फिर से फंड रेजिंग की जा रही है, तो कोई आपके लिए चौंकने वाली बात नहीं होगी, ये एक नॉर्मल सी बात रहेगी जैसा उन्होंने पहले भी करके दिखाया है। तो फिर से ये आपको एक न्यूज़ देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में। अब ये देखते हैं कि ये खबर कब आती है या खबर आती भी है कि नहीं आती, ये तो हमारे व्यू है, जो हमारा जो लॉजिक है हमने इसमें जो है पुट किया है अपना। ये तो बात रही शेयर की, बाकी शेयर की बात करें तो शेयर जो है काफ़ी रिस्की है क्योंकि कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है, कंपनी अपने डेप्थ को रिड्यूस दिन ब दिन कर रही, खबरें अच्छी अच्छी इसमें निकल के आई हैं। तो ये कंपनी एक तरह देख के तो रिस्की जरूर है लेकिन बहुत अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट भविष्य के लिए ये कंपनी रह सकती है, क्योंकि पावर सेक्टर आपको पता है कि बहुत तेज़ आगे आने वाले समय में ग्रो करने वाला है, काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस जो है पावर सेक्टर का रहेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है आपको टाटा पावर और उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री और अडानी पावर के बीच में। तो उन कंपनियों के बीच में अगर इनको शामिल होना रिलायंस पावर को तो इनको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा क्योंकि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा जो है पिछड़ चुकी है उन कंपनियों से। अगर ये कंपनी वो अपना कर्ज मुक्त करके ग्रो करना चाहती है तो ये कंपनी अगर ग्रो कर जाती है तो आप खुद सोचिए ये शेयर कहाँ से कहाँ फिर से आपको जाता हुआ मिल सकता है, 200 रुपये 300 रुपये भी ये आराम से फिर से ट्रेड करता हुआ आपको मिलेगा, लेकिन उसको करने में काफ़ी इनको मेहनत लगेगी और मेहनत अगर ये कर पाते हैं तो फिर आप देखिएगा कहाँ से कहाँ ये कंपनी जाएगी, पूरी तरीके से कर्ज मुक्त हो जाएगी। और आपको पता है कि अनिल अंबानी जी जो है पुराने खिलाड़ी है मार्केट के, वो एकदम से जो है पूरा तख्ता पलट कर सकते हैं क्योंकि वो क्षमता है तख्ता पलट करने की। ये तो बात रही शेयर की, बहुत अच्छा शेयर आपके साबित होने वाला है ये बात बिल्कुल तय है आगे आने वाले समय में। बाकी जिसकी कंपनी है तो हम चलते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट पे कौन सा लेवल आपका जो है रह सकता है। तो आपको याद होगा हमने अपनी पुरानी वीडियो में आपको 10 रुपये 10 पैसे पर बाइंग करने को बोला था और आपको एक 11 रुपीज़ का टारगेट दिया था और सेकंड टारगेट हमने दिया था आपको, टारगेट नंबर जो 2 था हमारा वो था 13 रुपये 45 पैसे का, वो हमारा टारगेट देखिए आज हिट हो चुका है। देखिए ये वाला हमारा टारगेट जो था टारगेट नंबर 2 ये हमारा अचीव हो गया है। अब ये जो अपना शेयर है रिलायंस पावर हमारा टारगेट नंबर 3 की तरफ जो है बढ़ रहा है, जो हमारा 14 रुपये 90 पैसे का, ये आपका काफ़ी क्रूशियल लेवल रहने वाला है। इनमें से जो आपका 13 रुपीज़ 45 पैसे का जो लेवल था ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि देखिए इसने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था इससे पहले, देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट भी लिया था और यहाँ पे देखिए इसने रेजिस्टेंस भी 2-3 बार लिया है, कंसोलिडेट भी किया है, फिर देखिए यहाँ पे इसने जो है रेजिस्टेंस लिया था, अब ये उसको तोड़ के ऊपर आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आपको काफ़ी अलर्ट रहना है इस पॉइंट पर जिस पर ये अभी खड़ा हुआ है 13 रुपये 90 पैसे पर। अगर ये इसको तोड़ के ऊपर जाता है मतलब कि ये फिर से इसमें तेज़ी आपको देखने मिलती है तो ये फिर से आपको 14 रुपये 90 पैसे का टारगेट अचीव होता हुआ आराम से मिलेगा, ये टारगेट आपको आराम से अचीव हो जाएगा। और ये टारगेट अगर अचीव होता है 14 रुपये 90 पैसे का, अगर ये जो है अपना टारगेट अचीव कर लेता है तो ये अगला टारगेट जो इसका रहेगा वो इसका 18 रुपये 30 पैसे का रहने वाला है। ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने आपको टारगेट प्रोवाइड किए हैं। बाइंग अगर आपको करना है इसमें तो बाइंग जो है ये काफ़ी ऊपर फिर से पहुंच चुका है तो अभी भी आज इसमें बाइंग करंट पोजीशन पर कर सकते हैं लेकिन अपने ओन रिस्क पे, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की शेयर है, अभी बाइंग करना काफ़ी आपके रिस्की रह सकता है। बाकी इसका अगर RSI देखें तो अभी भी देखें ये ऑलमोस्ट जो है 60 के आसपास घूम रहा है, 60-70 के पास में, तो अभी बाइंग का ऑप्शन आपके पास है इसमें अगर आपको बाइंग करना है तो। बाकी कंपनी देखें तो कंपनी तख्ता पलट कर सकती है, फिर से जो है मार्केट में बहुत तगड़ी एंट्री ले सकती है, अपना सेकेंड वर्जन जो है ला सकती है अगर ये कंपनी मेहनत कर पाती है तो। बाकी मेहनती कंपनी है, मैनेजमेंट में उन्होंने काफ़ी चेंज किया, स्ट्रेटजी में काफ़ी चेंज किया तो ये कंपनी बिल्कुल जो है आगे बढ़ने की क्षमता रखती है। बाकी इसका जो लेवल है मैंने आपको लेवल प्रोवाइड कर दिया कि आपको क्या करना है, ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं तो आप होल्ड कीजिए, बाकी अब कंपनी जो है फिर से ऊपर की तरफ चढ़ने वाली, ऑपरेटर भी इसमें थोड़ा सा साथ इस शेयर का देने वाले हैं। ये तो बात रही शेयर की, तो आपको इन लेवल के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट इस शेयर में करनी है। और दोस्तों आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, हमने एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप चालू किया है जिसमें आपको फ्री में इंट्राडे की ट्रेड्स होती हैं और PTST स्टॉक होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक होते हैं वो स्टॉक जो है आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं देना है। तो अभी जाके ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, काफ़ी आपको फायदा होगा अगर आप उस ग्रुप की ट्रेड लेते हैं। हम पर डे उसमें 1-2 ट्रेड जो है इंट्राडे की और आपको जो सबसे अच्छे स्टॉक होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, तो अभी जाके ज्वाइन करें ग्रुप को, काफ़ी आपको फायदा होगा। आप भी जो है हमारे मेंबर की तरह काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, जो काफ़ी पैसा कमा रहे हैं हमारे मेंबर्स, आप भी उन मेंबर्स की तरह बहुत सारा पैसा बना सकते हैं उन ट्रेडों को लेके। तो अभी जाके ग्रुप को ज्वाइन करें और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। तो दोस्तों यहीं तक थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यार हम पर बनाए रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।